उठाओ अपने हाथों को, अपने स्थानों पे खड़े हो जाओ, अपनी जगह पर खड़े हो जाओ, सब अपने हाथों को उठाओ। जितने ऑनलाइन है उस जगह पर है, आज मांगो खुदा से कि मेरे मन को भी परमेश्वर सुनेवन स्त्री के जैसे बना, मेरा मन भी उस सुनेवन स्त्री के जैसा बन जाए, जैसा विश्वास उस सुनेवन स्त्री का था, जैसा वफादारी वाला मन उस सुनेवन स्त्री का था, जैसा मन तेरे दास अब्राहम का था, जैसा प्रेम तेरे दास अब्राहम का था, वो मन वो प्रेम मेरे जीवन में भी आ जाए। बोलो वो प्रेम वो मन मेरे जीवन में भी आ जाए। बोलो 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 और प्रार्थना करो, मांगो जो ऑनलाइन है जितने। मांगो 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 जितने ऑनलाइन है जो जहां पे। प्रार्थना करो कि परमेश्वर आज मेरा मन भी, जिनका मन खास करके दोष देता है, खास करके जिन लोगों का मन उन्हें दोष देता है, वो वाले लोग माने जिनका मन हमेशा भटकता रहता है, इधर उधर की संसार की बातें सुनता है, वो अपने मन को आज शांत कराए। जो लोगों की बातों में आ जाते हैं, जो लोगों की बातों को सुनकर भी अपना मन खराब करते हैं, हो सकता हम अपने दास के प्रति भी करें, अपने मन को डांटो और आज अपने मन को शांत कराओ, क्योंकि वो परमेश्वर यहोवा ज़िरी है, जो उपाय करने वाला है, जो हल करने वाला परमेश्वर है, हर चीज का वो उपाय करने वाला परमेश्वर है, हर चीज को पैदा करने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर जो आज भी मृतों को जिंदा करता है। पर बोलो अपने पड़ोसी को, वो तेरे फेथ से करता है, तेरे विश्वास से करता है। तूने आज उसके वचन से समझा कि उसका शनेमिन का बेटा उसके विश्वास से वो जीवित हुआ है, उसके विश्वास से जीवित हुआ है। उसने अपने मुंह से माड़ा अंगीकार नहीं किया, माड़ा मुंह से नहीं बोला, इसलिए आज से एक प्रण करो, अपने बच्चों के लिए माड़ा मत बोलना, अपने बच्चों के लिए अच्छा बोलना, बोलना ये बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छे हैं, ये तेरे वचन पर चलने वाले हैं, तेरे वचन को मानने वाले हैं। आज से ऐसा प्रार्थना करना, जिस स्त्री का पति नशा करता है, आज से वो ऐसे मत बोले कि वो एक नशा ही मुझे टक्कर गया है, ऐसे बोलते ना कि मुझे कैसा मिल गया है, वो स्त्री बोले कि मेरा पति बहुत अच्छा है। जिसके घर में झगड़ा होता है, झगड़ा बोले, आज से जो झगड़ने वाले लोग हैं वो बोले वो नहीं है, हर चीज के लिए बोलो अच्छा है, आज अच्छे के लिए अंगीकार करो। मैंने कहा हर चीज के लिए अच्छे के लिए अंगीकार करो, हर अच्छी चीज के लिए आज अंगीकार करो। अगर आज आपके पास जॉब नहीं है, काम नहीं है, घर नहीं है, तो आज एक अच्छा अंगीकार करो। मैंने कहा अच्छा अंगीकार करो, क्योंकि यह हवा जिरी है, उपाय करने वाला परमेश्वर है, उपाय करने वाला परमेश्वर, वो हल करने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर है जो आज भी मुर्दों को जिंदा करता है, आज भी अंधे की आंखें खोलता है, आज भी वो लंगड़े को चिल्लाता है, गुंगा बोलता है, बहरा आज भी सुनता है, कोढ़ी आज भी पाक शुद्ध होते हैं। मैंने कहा मांगो 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 और अपने परमेश्वर से आज प्रार्थना करो, आज अपने परमेश्वर से प्रार्थना करो। सबसे पहले अपने फेथ के लिए प्रार्थना करो, अपने विश्वास के लिए कि मेरे अंदर अब्राहम के जैसा फेथ, अब्राहम के जैसा विश्वास, सुनेमन स्त्री के जैसा विश्वास मेरे अंदर आए। आज भूल जाओ अपनी प्रॉब्लम को, भूल जाओ, मैंने कहा भूल जाओ अपनी प्रॉब्लम को, आज भूल जाओ, आज भूल जाओ अपनी प्रॉब्लम को, मैंने कहा भूल जाओ। जितने ऑनलाइन है मेरे साथ एक मन हो जाएं, जितने ऑनलाइन मेरे साथ एक मन हो जाएं,
और अपने विश्वास का अंगीकार करना शुरू करें। यस, मैंने कहा अपने विश्वास का अंगीकार करना शुरू करें। जिसके पति की उसके साथ बनती नहीं, वो बोलो मेरा पति मेरे साथ है। बोलो बोलो, जिसकी पति के साथ बनती नहीं है, जो पति उसके साथ झगड़ा करता है, नशा करता है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, आज सुनेमन स्त्री और अब्राहम के जैसा विश्वास और उसके जैसा प्रेम के साथ ये अंगीकार करो कि मेरा पति अच्छा है, वो मेरे साथ है। जो बच्चे आज्ञाकार नहीं, बोलो वो हो चुके। सब चीजों के लिए एक अच्छा अंगीकार करो। मैंने कहा अच्छा अंगीकार करो, खुदा का फेवर, मैंने कहा उसकी सामर्थ का हाथ आपके ऊपर आ रहा है। अपनी बीमारी के लिए विश्वास करो, अपनी अपनी जो भी आपके प्रॉब्लम है, जो भी हालात है, आपकी बॉडी में जो भी प्रॉब्लम है, गिल्टी है, पथरी है, रिसौली है, लीवर खराब है, पेट में इंफेक्शन है, गुर्दों में प्रॉब्लम है, गुर्दों में पथरी है, मैंने बोला फेथ करो, फेथ करो, फेथ करो, विश्वास करो। आपकी जो भी प्रॉब्लम है, मैंने कहा मेरे साथ एक मन हो जाओ और इस बात का अंगीकार करना शुरू करो, वो परमेश्वर सच्चा है, वो यहोवा जिरी, वो उपाय करने वाला परमेश्वर, वो हल करने वाला परमेश्वर है, वो पथरियों को बाहर निकालने वाला परमेश्वर है, वो और सौलियों को खाड़ने वाला परमेश्वर है, गिल्टियों को हवा में उठाने वाला परमेश्वर है। वो विश्वास करें और अंगीकार करें। मैंने कहा आज वो विश्वास करें और अंगीकार करें। सेनाओं के यहोवा से आज वो ये हो जाएगा। मैंने कहा वे हो जाएगा। हड्डियों के रोगी, जिनके हड्डियों में दर्द है, जिनके अंग टेढ़े हैं, मेरे मैंने कहा अपने मुंह से बोलना शुरू करें, जिनके अंग टेढ़े हैं, जिनकी हड्डियां काम नहीं करती, जिनके घुटने खराब हैं, घुटने काम नहीं करते, घुटनों में ग्रीस खत्म हो चुकी है, मेरे साथ मुंह से बोलकर अंगीकार करना शुरू करें। मैंने कहा अपने मुंह से बोलकर अंगीकार करना शुरू करें, अपने मुंह से बोलकर अंगीकार करना शुरू करें। यस, मेरे लिए नहीं है, ये नहीं है, बोलो बोलो नहीं है, बोलो नहीं है, नहीं है, नहीं है, बोलो नहीं है, क्योंकि मेरे खुदा ने क्रूस पर अपना जीवन देकर कोड़ों की मार से मुझे चंगा किया है। बोलो बोलो, अपने मन से बोलो, कहो अपनी बीमारी को, कहो अपनी प्रॉब्लम को, कहो जितने फेफड़े जिनके खराब हैं, जिनके हार्ट की नसें ब्लॉक हैं, जिनकी रीढ़ की हड्डी के मन के दबे हैं, रीढ़ की हड्डी के अंदर वो नस, वो प्रॉब्लम है, वो नसें दबी हैं, जो उठ नहीं सकते, चल नहीं सकते, जो व्हील चेयर है, चार पाई पे हैं, विश्वास करो, विश्वास करो। मैंने कहा विश्वास करो, विश्वास करो। जितने सर्वाइकल के रोगी, थायराइड के, शुगर के, बीपी के, काले पीलिया, ओ सब बीमारियों से आजाद हो जाओ, चंगे हो जाओ। बाबा सिर के रोगी, स्किन के रोगी, गुप्त रोगी, जितने गुप्त रोगों के रोगी, मैंने कहा हील हो जाओ, चंगे हो जाओ, यीशु के नासरी के नाम से, मैंने कहा चंगे हो जाओ, मैंने कहा चंगे हो जाओ, मैंने कहा चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। हर बंद पीठ खुले, हर गुप्त प्रॉब्लम जाए, हर मरी हुई आंख ची उठे, हर मरा हुआ कान खुल जाए, मैंने कहा हर ओ चिट्टा मोतिया काला आंख उखड़ जाए, यीशु नासरी के सामर्थी नाम से। अगर रिसीव कर रहे हो और अंगीकार कर रहे हो, मैंने कहा अगर आप अंगीकार कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो, तो खुदा का हाथ सामर्थ का आपके ऊपर आ रहा है। माइग्रेन के रोगी, माइग्रेन की बीमारियों के रोगी, मैंने कहा चंगे हो जाओ, 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 इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। आंखें बंद रखो और अपना ध्यान खुदा की ओर लगाओ। याद करो सुनेमन स्त्री के विश्वास को, उसके प्रेम को, अब्राहम के प्रेम को, उसके विश्वास को, उसके अंगीकार को याद करो। आज मत बोलो मुंह में मैं बीमार हूं, आज मत बोलो मेरे पास कुछ नहीं, बोलो मैं धनी हूं, मैं धनी हूं, मेरे पास बहुत घर है,
बहुत कुछ है। मेरा घर मेरी आशीषों से भरा है, मेरी किचन मेरी रसोई बड़ी पड़ी है, मेरी अलमारी में सब कुछ है, मेरे घर में सब कुछ है। बोलो 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 बोलो, ये सेनाओं के यहोवा से सब कुछ हो जाएगा। मैंने कहा सचमुच हो जाएगा, अगर नहीं है तो ये हो जाएगा। पर अगर, क्योंकि बाइबल बताती है हम देख कर नहीं अनदेखा विश्वास करते हैं, हम देख कर विश्वास नहीं, हम अनदेखे चीजों का विश्वास करते हैं। आज विश्वास करो, मैंने कहा आज विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास करो, क्योंकि हम जो विश्वास करते हैं वो ही होता है। क्योंकि ये जितने भी बाइबल के चिन्ह और चमत्कार हैं, ये हमारे विश्वास पर आधारित हैं। पर लिखा ये समझे बड़ा सच, क्योंकि समझने से ही मिलेगा सब दुखों से छुटकारा। अगर आज अपने ये सत्य वचन समझा और सीखा है, सुनेमन स्त्री के विश्वास को आज अपने जाना है, अब्राहम के विश्वास को जाना है, आज अपने सूबेदार के विश्वास को आज अपने सुना है कि उसने कैसा विश्वास किया अपने सेविक के लिए, उस दो अंधों ने कैसा विश्वास किया। मैंने कहा दो अंधों ने कैसा विश्वास किया। अगर आपके अंदर आज विश्वास ऐसा आ गया है, मैंने कहा आज अगर आपके अंदर विश्वास आ गया है तो आप फ्री हो यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा हर चीज से फ्री हो, ये खुदा की हजूरी आपको सेम नहीं रहने देगी। ये खुदा की हजूरी आज आपको सेम नहीं रहने देगी। मैंने कहा सेम नहीं रहने देगी। आप खुदा बंद से जो चाहते हो, आप जो चाहते हो, वीजा चाहते हो, फाइल चाहते हो, आप जो चाहते हो खुदा बंद करने के लिए तैयार है। आपकी हर तपी हुई, खोई हुई, गुम हुई चीजें वो फिर आपको दलाने के लिए तैयार है। जिनके ऊपर कर्जा है उस कर्जे को उतारने के लिए तैयार है। जिनके बच्चे आज्ञाकार नहीं वो बनाने के लिए तैयार है। वो अपने बच्चों को, आपके बच्चों को ब्लेस्ड जीवन देने के लिए तैयार है। आपके बच्चों के अच्छे घरों में शादियों करने के लिए वो तैयार है। वो हर चीज करने के लिए तैयार है। पर आपके अंदर वो शनेमन स्त्री सूबेदार के जैसा विश्वास होना चाहिए। आज लाओ अपने अंदर विश्वास, लाओ 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 अपने अंदर विश्वास लेकर आओ और धन्यवाद करो, अपने मुंह से धन्यवाद करो और हर बीमारी को कमांड करो यीशु मसीह के नाम से कि तू मेरे लिए नहीं है। बोलो तेरा कोई अधिकार नहीं है। हर उस दुष्ट आत्मा को बोलो, हर मैंने कहा उस दुष्ट आत्मा को बोलो जो आपके सपनों में अटैक करती है, हर व्यभिचार की, सांपों की, जादू की, टूने की, उस दुष्ट आत्मा को बोलो आउट, से आउट, बोलो निकल, तेरा कोई अधिकार नहीं है। बोलो निकल, तेरा कोई अधिकार नहीं है। बोलो बोलो उस व्यभिचार की उस दुष्ट आत्मा को जो आपके मन में बुरे विचार डालती है, आपके मन में गंदे ख्याल लेकर आती है, आपके जिन बहनों के साथ शैतान रॉन्ग रिलेशन बनाता कमांड करो, जिनके साथ शैतान रॉन्ग रिलेशन बनाता है कमांड करो और आउट करो अपने जीवन से उसे। मैंने कहा आउट करो, आउट करो और बोलो यीशु के नाम से, बोलो शैतान को और छिपी हुई दुष्ट आत्मा को बोलो निकल, बोलो निकल 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 इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। बोलो 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 शास से बोलो निकल 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 निकल, हर अंधकार की दुष्ट आत्मा जितने ऑनलाइन है बोलो बोलो निकल 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 निकल, तेरा कोई अधिकार नहीं है, आउट। बोलो हर मिर्गे की, हर दौरे की, हर मिर्गी की दौरे की दुष्ट आत्मा को कमांड करो आउट। बोलो बीमारी की, बोलो जादू की, टूने की, सांपों की बोलो आउट, बोलो निकल, तेरा कोई अधिकार नहीं है। बोलो उस बीमारी की आत्मा को तेरा कोई अधिकार नहीं है। बोलो 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 विश्वास से बोलो तेरा कोई अधिकार नहीं। बोलो 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 आस बोलो 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 मैंने कहा बोलो विश्वास से बोलो, विश्वास से बोलो, अधिकार के साथ बोलो, विश्वास और अधिकार के साथ बोलो तेरा कोई अधिकार नहीं। बोलो तेरा कोई अधिकार नहीं है। उसके वचन में लिखा उसके कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ। बोलो 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 आस विश्वास के साथ बोलो, जो नहीं होता वो होगा। करके देखो, अपनी गर्दन को घुमाओ
जो सर्वाइकल के रोगी हैं, जो घुटनों के रोगी हैं, जो रीढ़ की हड्डी के रोगी हैं, जो व्हील चेयर पे हैं, अगर ऑनलाइन है जहाँ पे हैं, जो उठ नहीं सकते, जिनके अंग टेढ़े हैं, वो अपने हाथों को उठाएं, सीधा करें, बैठें, उठें, जो नहीं होता वो करें। मैंने कहा जो नहीं होता वो करें, जो नहीं होता वो करें, वो जो नहीं होता वो करें। मैं बहन के देख रहा हूँ, उसके तेजाबी मादा बनता है, वो कुछ भी खाती है तो उसके पेट में जलन शुरू होती है, इसे तेजाबी मादा बोलते हैं। वो कुछ भी बहन खाती है तो उसके एकदम से पेट में जैसे कुछ आग के जैसी, जैसे आग लगी है अंदर से, कुछ जलन होनी शुरू हो जाती है, इसे तेजाबी मादा की बीमारी बोलती है। मेरी बहन, तुझे खुदा का आत्मा शुर आए, अपने पेट पर हाथ रख, तू जहाँ पे है ऑनलाइन है, जो यहाँ पे भी है, खुदा का परमेश्वर का आत्मा तुझे शुर आए और तू गवाही से आएगी। मैंने कहा तू गवाही से आएगी, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। जितने सर्वाइकल के रोगी वो हील हो जाएं, जितने माइग्रेन की बीमारी के रोगी वो हील हो जाएं। मैंने कहा जितने माइग्रेन की बीमारी के रोगी वो हील हो जाएं। जिनके सिर में दर्द रहता, जिनके कंधों में, घुटनों में, कमर में, वो हील हो जाएं, हील हो जाएं, हील हो जाएं, चंगे हो जाएं, चंगे हो जाएं, चंगे हो जाएं, हर कमजोरी चली जाए। आपकी बॉडी में जितनी वीकनेस है आज खत्म हो यीशु के नाम से। मैंने कहा खत्म हो, खत्म हो, खत्म हो। जिनकी बॉडी में वीकनेस है, खून की कमी है, मैंने कहा जिनकी बॉडी में वीकनेस है, उन्हें थकावट रहती है, यीशु के नाम से वो हर थकावट, हर रोग, हर बीमारी जड़ से उखड़ जाए यीशु के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस। आज बड़ा आमीन बोलो, बड़ा आमीन बोलो और बोलो यस मेरे परमेश्वर, क्योंकि आज अपने वचन से सीखा और समझा है कि बाइबल चिन्ह और चमत्कारों की बाइबल है, पर हमारे विश्वास पर आधारित है। ये बड़ा सच है, समझने से होगा सब दुखों का छुटकारा, तभी मिलेगा आपको सब दुखों से छुटकारा। जो आज अपने सीखा और समझा, फेथ करो, विश्वास करो। मैंने कहा विश्वास करो, विश्वास करो, डरो नहीं, डरो नहीं। उसने आपको डर का नहीं, सामर्थ का आत्मा दिया, गैर भाषा में बातें करते हुए, गैर भाषा में बातें करते हुए, मैंने कहा गैर भाषा में बातें करते हुए बात करें। मैं कमांड करता हूं, हर शैतानी चीज जो खाई और खिलाई गई आज आपकी बॉडी से उल्टियों के राई बाहर आए, बाहर आए, बाहर आए। हर वो चीज जो शैतानी मेज से खाई और खिलाई गई है आज आपकी बॉडी से उल्टियों के राई बाहर आए, बाहर आए, बाहर आए, बाहर आए, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। हर ओ पथरी गुर्दे से बाहर आए, हर ओ पथरी पेट से बाहर आए, हर ओ रसौली बाहर आए, हर ओ गिल्टी कैपो, हर रसौली खत्म हो, हर मरा हुआ गर्भ छी उठे, हर मरी हुई आंखें छी उठे, बंद कान खुले, मरी हुई आंखें छी उठे, शुगर के, बीपी के रोगी हिल हो जाएं। मैंने कहा चंगे हो जाएं, चंगे हो जाएं, चंगे हो जाएं, चंगे हो जाएं, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। बड़ा विश्वास करो, जो खुदा की हजूरी आपको सेम नहीं रहने देगी। आज आपके जीवन में बड़े रिजल्ट खुदा बंद लेकर आएगा। जितने ऑनलाइन है, जितने ऑनलाइन है, मैंने कहा विश्वास करो, रिसीव करो, इन द नेम ऑफ जीसस। मैं गले की प्रॉब्लम को मैं हिलोते हुए देख रहा हूं। आपका गले का रोग जा रहा है, मैंने कहा आपका गले का रोग जा रहा है, मैं आपको हिलोते हुए देख रहा हूं। आपके गले के रोग से मैं आपको हिलोते हुए देख रहा हूं। आप फ्री हो यीशु के नाम से। मैंने कहा फ्री हो, फ्री हो, फ्री हो, फ्री हो, हर चीज से, हर दुष्ट आत्मा से, हर बीमारी से, हर प्रॉब्लम से, हर कर्ज से,
हर वो चीज जो आप अपने जीवन में चाहते हो, खुदावन आज वो यहोवा जिरी है। मैंने कहा वो यहोवा जिरी है, उपाय करने वाला, हल करने वाला है। आज इस वचन से जो अब्राहम के साथ उसने किया, आज आपके जीवन में भी पूरा हो। मैंने कहा आपके जीवन में भी पूरा हो। आज आपकी मुश्किलों का सबका उपाय हो, हल हो, सब मुश्किलों का उपाय हो। और हर वो नशे की दुष्ट आत्मा आपके बच्चों के, आपके हस्बैंड, आपके पति के जीवन से जाती रहे, यीशु मसीह के नाम से जाती रहे, जाती रहे, जाती रहे, और हील हो जाएं, आजाद हो जाएं, चंगे हो जाएं, चंगे हो जाएं, चंगे हो जाएं, चंगे हो जाएं, सबके सब। मैंने कहा हील हो जाएं, आजाद हो जाएं, इन द नेम ऑफ जीसस। और विश्वास करो, अपने मुंह से धन्यवाद करो कि जो मैंने मांगा निश्चय ही ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है। उठो बैठो, जो नहीं होता करके देखो, खुदावंत का रूह आपको छू चुका है, छू चुका है, छू चुका है। मैं अभी एक बहन को देख रहा हूँ जिसके गुप्त अंग की प्रॉब्लम से परमेश्वर ने उसे छुआ है, और उसके वो गुप्त अंग का रोग क्या है मैं नहीं जानता, ये क्या प्रॉब्लम है, पर था उसके गुप्त अंग का। आपने शर्माना नहीं है। मैंने कहा आपने मेरी बहन शर्माना नहीं है, अगर तू शर्माएगी तो जो खुदावंद ने उस काम को किया वो होगा नहीं। तेरे गुप्त अंग का रोग था, हो सकता वो खारिश का एक को, मतलब आपको लज्जा आती होगी, शर्म आती होगी, पर आज मुझे परमेश्वर दिखा रहा है कि मेरी बहन तुझे छुआ है, मेरी बहन तुझे छुआ है, मेरी माँ तुझे छुआ है, उसने छुआ है, छुआ है, तुझे छुआ है, और तू आजाद है, तो आजाद है। अंगीकार करो सब बातों का, अंगीकार करो और विश्वास करो कि जो मैंने मांगा, जितने ऑनलाइन है अभी इस समय, अगर आप चाहते हो कि खुदावंद ने अभी मुझे छुआ है, तो आप मिनिस्ट्री के जो हेल्पलाइन नंबर है आप कॉल कर सकते हो। अभी जितने ऑनलाइन है अभी मिनिस्ट्री के हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर सकते हो, कॉल कर सकते हो कि मुझे आज खुदा ने छुआ और मेरा ये रोग क्या है, मेरे जीवन को आज खुदावंद ने छुआ है। और खास करके जितने लोग आज प्रार्थना करते, जिनसे प्रार्थना नहीं होती, उनकी प्रार्थना आज से खुले यीशु के नाम से। और मुझे खुदावंद कह रहा है कि आज के अंगीकार से, आज के विश्वास से, जिनसे प्रेर नहीं होती, आलस आता है, नींद आती है, सुस्ती आती है, आज जो आपने वचन सुना है, आज आपने जो शुनेमिन स्त्री का विश्वास, उसका प्रेम देखा है, आज आपने अब्राहम का विश्वास और प्रेम देखा है, आज आपने सूबेदार का विश्वास देखा है, आज आपने दो अंधों का विश्वास देखा है, उस विश्वास से आपकी प्रार्थना बढ़ेगी। मैंने कहा आप एक प्रार्थना करने वाले योद्धा बनोगे, आप प्रार्थना करने वाले योद्धा बनोगे, योद्धा बनोगे। आप बताओगे कि मेरी प्रार्थना इतनी थी और अब मैं इतनी कर रही हूँ। जो सुस्ती आती थी, नींद आती थी, वो हट चुकी है। मैंने कहा आप बताओगे, बताओगे, और ऐसा होगा यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा वो यहोवा जिरी है, वो हर बात का उपाय करने वाला और हल करने वाला परमेश्वर है, और आज कर चुका है। मैंने कहा वो हर चीज का हल आज कर चुका है यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन।